हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी वाला और हेल्दी नाश्ता। आप ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैं ये आधा केला जो है वो कट करके डाल दूंगी, ठीक है। और ये देखिए, हमने यहाँ पर ना 5 बादाम, 2 अखरोट, 4 किशमिश और 1 ही अंजीर को ऐसे काट लिया है, सोक किए हुए हैं सारे, सबको सोक कर लिया था और उनको बारीक काट लिया है। ये ओट्स हैं, मैं कांच के जार में रखती हूँ और इनको मैंने 1/4 कप ओट्स को ना अच्छे से रोस्ट कर लिया, ड्राई रोस्ट, मतलब कि कुछ ही सेकेंड्स में ये एक तरह से गर्म सा हो जाना चाहिए ताकि वो घुलता नहीं है, नहीं तो घुल जाता है दूध में बहुत जल्दी, चिपका चिपका हो जाता है। तो ऐसा करने से ना चिपका चिपका नहीं होगा और इसको रोस्ट करके हमने ठंडा कर लिया है। अब हम डाल देंगे ये मैंगो। फ्रूट्स ना आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं, तो ये डाल दिया हमने, ये डालेंगे हम इसमें ड्राई फ्रूट्स। और यकीन मानिए, ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, पावर पैक है। आप ये खाएंगे ना तो बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। और ये डालेंगे हम इसमें ठंडा किया हुआ ओट्स। बस आप खाकर भी देख लेंगे ना ओट्स को, तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये अच्छा टेस्ट आ गया है, इसमें सिक गया है, बहुत कोई ब्राउन या बहुत देर तक हमें इसे नहीं करना है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये चिया सीड्स, एक टेबल स्पून चिया सीड्स हमने भिगो कर रख दिया था, तो इसमें से हम इतना डाल देंगे। चिया सीड्स भी अर्ली मॉर्निंग लेने के लिए बहुत हेल्दी ऑप्शन है, इस तरीके से आप लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, ओट्स, ये ओट मील आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है इसको खाके। अब डालते हैं हम इसमें मिल्क, ये डालेंगे हम इसमें मिल्क। मिल्क क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, कुछ भी इसमें ऐसा रेशो करने की जरूरत नहीं है कि हमें इतना ही चाहिए। तो ये मैं एक के लिए बना रही हूं, ये देखिए, तो ये इस तरह से बन गया है। अब हम इसको प्लेट में डाल के दिखाते हैं आपको, और ये तुरंत बनाना है, तुरंत खाना है, फ्रेश ही खाना है आपको। ओट्स भी आपको सोक करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आप इसको खा सकते हैं। ये देखिए, थोड़े से मैंने बादाम के जो कतरन है ऊपर से डाल दी हैं, थोड़ा सा मैंगो मैं डाल दूंगी साइड साइड में। और आप कहेंगे कि इतना हेल्दी और इतना टेस्टी अगर ये हो सकता है ब्रेकफास्ट, तो हम रोज ही इसको खाएंगे, हमें इसे मीठा डालने की जरूरत भी नहीं है, हनी वगैरह कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा हम ऊपर से ऐसे गार्निश कर देंगे। दूध हमने उतना ही डाला है जितना सोक हो गया इसमें अच्छे से, और बहुत बहुत यम्मी ब्रेकफास्ट है ये। मुझे लग रहा है कि अगर आप ट्राई करेंगे ना, तो आप फिर और कोई ब्रेकफास्ट पसंद नहीं करेंगे, बस झट से इसको बनाएंगे। ऑलरेडी कटा हुआ है आपका सब सामान, मिक्स करना है और खाना है। Thank you so much for watching my this healthy breakfast recipe. See, wow.